ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंग्रेज भी इसको दबाते हैं, और अंग्रेज इसको दबाने के लिए अपने बहुत काबिल जो सेनापति है उनको नियुक्त करते हैं। सबसे पहले तो हमने यही पर ही देख लिया था कि जो मुख्य सेनापति के रूप में कैप्टन कैंपबेल जो है वो आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि टेलर आयर, ठीक है, वी टेलर जो है वो, फिर कैप्टन कर्नल नील, ठीक है, ह्यूरोज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग सैनिकों सॉरी सेनापतियों को या हेड को नियुक्त किया था जो कि क्या कर सके, क्या बोला चाहिए, ये जो चीजें हो रही हैं आपका जो ये आंदोलन हो रहा है उसको दबा सके, है ना भाई, समझ आ रही मेरी बात, उसको दबा सके, उसको ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो उसको दबाने के लिए, उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए इनकी नियुक्ति की। तो अब यहां से हम कुछ चीजों को देखेंगे, वो है विस्तार को, ठीक है। मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी, लेकिन आपके नोट्स में इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी चर्चा कर लेंगे, हम सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। चलिए तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, आप अपने नोट्स में इसको देख लीजिएगा। लेकिन जब आप नोट्स अपने बनाओगे, जो फोटो कॉपी भेजा है मैंने पीडीएफ उसमें है ये, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो इसको आप बकायदे लिखोगे, ठीक है। तो हम इसके विस्तार को देखते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र थे कि जहां पर ये क्या हुआ था, बढ़ गया था, और इसका दमन किसने किसने किया था। तो चलिए हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो भले से ये कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई, लेकिन दिल्ली तक गई, लेकिन दिल्ली के बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में जाके सीमित हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक है, इस तरीके के भी जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, ये विस्तृत हो गया। तो आइए हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं दिल्ली को, ठीक है। तो दिल्ली में जो नेता थे, मतलब इस अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, वो विद्रोह का स्थान या उस स्थान को पढ़ेंगे जहां पर इस विद्रोह का प्रसार हुआ था। दूसरी चीज हम देखेंगे कि उस क्षेत्र में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि किन्होंने इसको दबाया, चलिए दमनकर्ता कौन थे। तो दिल्ली की बात करें तो हमने जैसे बात की थी कि बहादुर शाह जफर जो थे वो वहां पर, उन्हीं का शासन था तो उन्हीं को नेता मानेंगे, और साथ में जो जनरल बख्त खां थे, सॉरी 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 यहाँ पर गलती हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, ये इसको यहाँ पर ठीक करेंगे, ये गलती से लिखा गया है, बैरम खानी बख्त खां, ठीक है, चलिए उसको सुधार लीजिएगा, बख्त खां, चलिए, है ना। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो है वो कहाँ पर नेतृत्व करते हैं, दिल्ली में नेतृत्व करते हैं। और दिल्ली में इनका जो ये जो क्रांति है उसका दमन कौन करता है, तो बर्नाड और हडसन नामक दो अंग्रेज अधिकारी जो है वो इसका दमन करते हैं। फिर हम देखते हैं कानपुर वाला क्षेत्र, तो कानपुर क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो नाना साहब और तात्या टोपे करते हैं, ठीक है। कौन कौन करता है, नाना साहब और तात्या टोपे, इनको इनका जो दमन करता है या इनका जो आंदोलन है उसको कौन नियंत्रित करता है या कौन समाप्त करता है, तो जो हमने पढ़ा कैंपबेल, ये क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक, कैंपबेल जो है वो समाप्त करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं भाई कि जगदीशपुर बिहार वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुंवर सिंह जो है वो इस क्रांति के नेतृत्व करता होते हैं, उनके नेतृत्व में होता है, और इसका जो दमन है वो वी टेलर करते हैं। फिर हम आते हैं झांसी और ग्वालियर वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा ही है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, और रहती है से मेरा मतलब है कि वो यहाँ पर क्या करती है, इस क्रांति का नेतृत्व करती है, और कैप्टन ह्यूरोज जो है वो इसका
दमन करते हैं। फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद उल्लाह जो है वो नेता होते हैं, जिसको टेलर और आयर नामक दो अंग्रेज अधिकारी जो है इसका दमन करते हैं। फिर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है वो हजरत महल और बिरजिस कादर जो है वो क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जिसको फिर से कैंपबेल जो है वो इसका दमन करते हैं। इलाहाबाद जो है वहां के नेता लियाकत अली होते हैं, जिसको कर्नल नील जो है वो समाप्त करते हैं। मध्यकालीन भारत मध्य भारत जो है उसमें तात्या टोपे नेतृत्व करता रहते हैं। बरेली वाले क्षेत्र में खान बहादुर नेतृत्व करते हैं और मेरठ वाले क्षेत्र में कदम सिंह जो है वो नेतृत्व करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे जहां पर ये जो क्रांति है वो फैली, है ना भाई, ये जो क्रांति है वो फैली, कुछ प्रमुख स्थान थे जहां पर ये क्रांति फैली। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रांति के फैलने के बाद में वहां पर नेतृत्व किसने किया, और साथ में हमने देखा कि किन अंग्रेज अधिकारियों ने इसका क्या किया, दमन किया। समझ आ रही मेरी बात? चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेंगे, उसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके कुछ और बिंदुओं की चर्चा करें तो यहाँ पर मिटा देते, उसके बाद यहाँ पर हम शुरू करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। तात्या टोपे
तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को हम देखते हैं कि इनका जो संघर्ष है वो निरंतर अंग्रेजों से चलता रहा। ठीक है, अंग्रेजों से संघर्ष इनका चलता रहा, लेकिन इन्हीं के एक सहयोगी के द्वारा क्या इनको धोखा दिए जाने के कारण ये अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। फिर हम देखते हैं नाना साहब और हजरत महल। तो नाना साहब और ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं इस मतलब अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज जो है वो बहुत कठोरता के साथ इसका दमन कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं अलग अलग इतना नेपाल भाग जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नाना साहब और हजरत महल, ये दोनों ही नेपाल भाग जाते हैं। अगर हम इन अंग्रेजों को इतना सफलता पूर्वक दमन करने का अगर कारण हम ढूंढे, है ना भाई, क्यों हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अंग्रेज थे उनके जो अधिकारी थे, है ना भाई, उनको उन्होंने जिन अधिकारियों को चुना था, तो जो सेनापति थे जिनको भेजा गया इस आंदोलन का दमन करने के लिए, वो बहुत योग्य थे। ठीक है, हम देखिए अगर ठीक है हम उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातों को हम हटा नहीं सकते। ओके, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, बहुत योग्य थे और यही कारण था कि उनकी क्या उनका क्या किया जाता है, वो लोग विजय प्राप्त करते हैं और 1857 की क्रांति को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से समाप्त या उसको उसका पूरी तरीके से दमन कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है कारण। क्या कारण है, है ना, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं उसे कारण यहां पर कर लेती हूं। ठीक, तो क्या कारण हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह क्या हुआ, असफल हुआ। विद्रोह के असफलता के कारण, मैं ये पॉइंट्स में लिखते जाऊंगे और आपको हम उसको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला कारण देखते हैं वो है नेतृत्व का अभाव। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया कि जो यहाँ से सैनिकों का दल निकला था, उन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता किसको बनाया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता बनाया। ठीक है, क्या बनाया, अपना नेतृत्वकर्ता बनाया। और लेकिन अंग्रेज जो है बहुत ही जल्द इसको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेजते हैं। जब उसको रंगून भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सैनिक है उनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा, अगर नेता बनाया है और नेता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो इस वजह से जो उनके बीच में नेतृत्व का अभाव रहा, तो अगर आपके पास में नेतृत्व का अभाव रहेगा तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे क्या, नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ना कि नेतृत्व के अभाव के कारण से जो समूह है या जो विद्रोहियों का समूह है उनको एक प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं मिल पाया, उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल पाई और ये जो संघर्ष था वो क्या हुआ, बहुत ही आसानी से बिखर गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसका विस्तार क्षेत्र। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र, अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये जो संघर्ष था वो देशव्यापी नहीं था। क्यों भाई, देखिए मद्रास जो आपका दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर एकदम जो उत्तर वाला क्षेत्र है वहां पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ हद तक आपका सबसे ज्यादा जो बंगाल है ना, पूर्व साइड का जो भारत है, बंगाल है और अवध है, इलाहाबाद है, इन सब क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा। तो ये लेकिन भारत की जब बात करें तो वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो जो इसका विस्तार था वो बड़ा तो था,
लेकिन भारत की हर जगह पर इसका विस्तार, या अगर हम ये कहें कि देशव्यापी इसका विस्तार नहीं था, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर वो देशव्यापी उसका विस्तार नहीं होगा, तो कैसे करके हम पूरी तरीके से इसको सफलता की घोषणा कर सकते हैं? तीसरा चीज जो हम देखते हैं वो है, तीसरा चीज जो है वो व्यक्तिगत उद्देश्य है। ठीक है, अब व्यक्तिगत क्या उद्देश्य है? देखिए, सैनिक जब इस युद्ध के लिए निकले थे, है ना भाई, जब युद्ध हो रही हो विद्रोह के लिए या क्रांति के लिए निकले, जब सैनिक इस क्रांति के लिए निकले, तो उनका उद्देश्य था कि भाई हमको, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उनका उद्देश्य था कि हम जो है वो आपका चर्बी युक्त कारतूस, है ना भाई, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये किसका उद्देश्य था? सैनिकों का उद्देश्य था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व संभाला, उनका उद्देश्य था अपने पुत्र को क्या करना, सत्ता में लाना, अंग्रेजों को वहां से हटाना और अपने पुत्र जो है उसको उत्तराधिकार सौंपना। ये किसका उद्देश्य था? रानी लक्ष्मीबाई का था। अगर हम तात्या टोपे और नाना साहब की बात करें, तो इनका उद्देश्य अपने साम्राज्य को वापस पाना था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हमको अंग्रेजों को हटाना है, इसको व्याप्त करना, ऐसा वाला कुछ उद्देश्य नहीं था। इनका बस उद्देश्य था कि किसी तरह अंग्रेजों को क्या कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए। कार्यक्रम नहीं निर्धारित था। तो अगर कोई चीज सुनियोजित नहीं
आएगी। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं पांचवा पॉइंट है एकता का अभाव। अगर मैं झांसी की बात करूं, मध्य भारत की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, इलाहाबाद की बात करूं, तो इन सभी जगहों पर जो यहाँ के नेता थे वो अपने अपने जो हित थे उनके लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन किन्हें भी ये नहीं लगा कि हम एक साथ होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, बल्कि हम देखेंगे कि ये जो युद्ध था है ना विद्रोह, ये वाला जो युद्ध था विद्रोहियों का, इसमें हम देखते हैं कि आपके कुछ कृषक है, ठीक है, कुछ कृषक लोग इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उनका ये मानना है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जमींदार से शुरू करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ जमींदार जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन कुछ जमींदार जो है वो कहते हैं कि हमको इससे क्या मतलब, और अंग्रेजों को अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो जो इस वजह से क्या होता है कि जो कृषक हैं, कुछ कृषक तो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कुछ कृषकों को लगता है कि ये जो संघर्ष हो रहा है वो तो जमींदारों का हो रहा है, तो अगर जमींदारों का संघर्ष है तो हम इसमें शामिल क्यों हो, ठीक है, हम इसमें शामिल क्यों हो, इसलिए वो नहीं शामिल होते। तो हम देखते हैं फिर आप जो भारत का जो सबसे बड़ा मुख्य रूप से जो शिक्षित वर्ग था, मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग था, उसने पूरी रीति से इस क्रांति से अपने आप को अलग रखा। तो भारत में आपस में ही एक दूसरे के सहयोग वाली भावना नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो संघर्ष था वो कमजोर हुआ, इस संघर्ष में जितनी एकता होनी चाहिए थी उसकी कमी हुई और ये संघर्ष असफल हुआ। तो जो ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उनको आसानी हुआ कि वो इस संघर्ष को क्या कर सके, दबा सके। तो ये कुछ प्रमुख कारण था, हमने ऑलरेडी इसमें आप और बढ़ जिसकी है ना, ये कुछ प्रमुख कारण था जिसको हमने देखा, जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है वो असफल रहा। तो इसके आगे का अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं परिणाम। तो जिस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति जो है उसका दमन किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रारंभ होती है, अलग अलग लक्ष्यों के साथ जिस तरीके से ये प्रारंभ होती है, प्रारंभ होने के बाद हमने क्या देखा कि उसका दमन किया गया, ठीक है, हमने ये सारे डिटेल्स पढ़ ली, जो इम्पोर्टेंट था देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रांति थी, अगर हम इसको देखें तो जो 1858 का जो मध्य समय था, ठीक है, आपका जो मध्य समय था 1858 का जो मध्य समय था, उस समय तक इस क्रांति को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो मार्च के महीने में, या जनवरी से चलिए मान लीजिए है ना, तो जो मार्च और जनवरी मार्च से जो प्रारंभ हुआ था 1897 से, वो 1898 के मध्य तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हालांकि ये जो विद्रोह है वो असफल रहा, ठीक है, इसके नेता जो थे उनका दमन किया गया, कुछ को मृत्यु दंड मिला, कुछ लोग अपना राज्य छोड़ के देश भाग गए, ये सारी ही चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विद्रोह था, भले से इसको असफल कहें, लेकिन पूरी तरीके से असफल नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कारण ये है कि इस विद्रोह ने कहीं ना कहीं सीधे नजर बनाई थी महारानी या तख्त पर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम इसके परिणाम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि महारानी के आदेश के अनुसार जो पहली चीज ये होती है वो होती है कि कंपनी की जो शासन होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। रानी के आदेश द्वारा क्या होता है कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने व्यापार के प्रसार के लिए शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके समाज और राज्यों में भी इंटरफेयर कर रही थी, और इतना ज्यादा इंटरफेयर हुआ कि 1857 की क्रांति हुई, बकायदे उन्होंने सैन्य दलों के रूप में लोगों को नियुक्त भी किया और काम भी किया। अब इस क्रांति के बाद महारानी जो है वो सीधे इंटरफेयर करती है और पहला परिणाम ये निकलता है कि अब कंपनी का शासन समाप्त
कर दिया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं कि कंपनी का शासन तो समाप्त हुआ, अब ब्रिटिश ताज जो है उसकी सत्ता आती है। ठीक है, ब्रिटिश ताज से क्या मतलब है? रानी, है ना, क्राउन या रानी की सत्ता। अब जो है भारत को सीधे रानी या ब्रिटेन की जो संसद है उसके अंतर्गत कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले तब तो कंपनी अपने हिसाब से चीजें चला रही थी, लेकिन अब जो है वो ब्रिटेन की जो संसद है वो क्या करेगी, भारत के जो साम्राज्य है या भारत का जो प्रशासन है उसको कौन संभालेगी, ब्रिटेन की संसद संभालेगी। ठीक है, तो ये तो प्रमुख चीजें होंगी। तीसरी चीज हम देखते हैं, मैं इसको माफ कर देती हूँ, ठीक है, तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है सैनिक विद्रोह। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था कि ये प्रारंभ में सैनिक विद्रोह से ही प्रारंभ हुआ था, है ना भाई। तो हम ये पाते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में क्या किया गया कि पहले जो सैनिकों का अनुपात 5:1 था, मतलब 5 भारतीयों पर एक ब्रिटिश अधिकारी था, अब उसको बदल कर क्या कर दिया गया था, 2:1, मतलब कि 2 अंग्रेज अधिकारियों पर 1 ब्रिटिश अधिकारी। इसका फायदा भी ये था कि अब इस वजह से 2:1 के अनुपात से ब्रिटिश अधिकारियों की या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से और सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे उनके अंडर में, तो नियंत्रण जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, तीसरी चीज हम देख सॉरी चौथी चीज हम देखते हैं सैनिकों के भी प्रशासन के संदर्भ में कि अब क्योंकि युद्ध जो है वो अवध वाले क्षेत्र से हुआ था, या जिन क्षेत्रों में ये जो संघर्ष हुआ था जिन क्षेत्रों में, वहां के लोगों को या वहां के सैनिकों को अब हटाया जा रहा था, और मुख्य रूप से गोरखा और सिख समुदाय के जो लोग थे। ठीक है, कौन कौन? गोरखा और सिख समुदाय के जो लोग हैं उनकी नियुक्ति की जा रही थी सेना में। ठीक है, और यही कारण है कि आज भी गोरखा, आप अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आया था करंट अफेयर के लिए, इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, गोरखा और सिख न्यूज आया था कि जो भारतीय सेना है उसमें अलग अलग रेजिमेंट बनाया गया है, तो गोरखा लोगों का एक अलग, सिख लोगों का अलग, ऐसे अलग अलग जाट लोगों का अलग, तो उसके लिए कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, और बिहार से संबंध में था कि वहां के मैनोफेस्टो जो रहता है एक नेता ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम सेना में अलग से बिहार के जो लोग हैं उनके लिए मांग करेंगे। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप उस टॉपिक को एक बार देख लेना। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब गोरखा और सिख लोगों की नियुक्ति जो है वो इसमें होने लगी, सैनिक वाले इसमें होने लगी। पांचवी चीज हम देखते हैं कि अब एक नई नीति लाई गई, सॉरी एक नया पद भारत के लिए लाया गया जो था भारत सचिव का। ठीक है, क्या था? भारत सचिव का, है ना, इसको आप संविधान वाले कोर्स सॉरी इसको आप कब पढ़ेंगे, संविधान का जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर आप भारत सचिव को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जब हमने अपना इसको प्रारंभ किया था तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, इसका बदलाव ये हुआ कि अब भारत में नियंत्रण के लिए, भारत में सारी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक पद सृजित किया गया जिसका नाम रखा गया भारत सचिव, और उसका काम था कि भारत को किस तरीके से चलाना है उसको देख करे, या ब्रिटेन के भारत के महा ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करे। फिर हम देखते हैं छठवी चीज ये होती है कि हड़प नीति, है ना, डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, किसको समाप्त कर दिया जाता है? डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। अब अगर किसी को दत्तक पुत्र चाहिए तो वो भी ठीक है ना, तो ये वाली स्थिति को कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजाओं या जो राजवंश थे उनका एक बहुत बड़ा असंतुष्टता का कारण क्या था? हड़प नीति था। फिर हम आते हैं इस
हड़प नीति की वजह से जो देशी नरेश है ना भाई, जो देशी राजा है, छोटे छोटे जो राजवंश होते हैं, देशी राजवंश, उनकी स्थिति को वापस वैसे ही कर दिया करते हैं जैसे जैसे वो लोग पहले शासन कर रहे थे, जिस तरीके से पहले वो अपना राजकाज चला रहे थे, अब क्या किया जाता है कि उसको भी वैसे ही कर दिया जाता है। और जो नेक्स्ट चीज होती है वो बदलाव ये होती है कि अब क्योंकि मुगल बादशाह है ना, आपका बहादुर शाह जफर जो था है ना, उसको कहा रंगून भेज दिया गया था, तो और रंगून भेज दिया जाता है जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से मुगल शासन जो कि इतना लंबा समय तक चला था, मुगल शासन समाप्त हो जाता है और हमेशा के लिए दिल्ली जो है वो किसके पास चली जाती है, मतलब जब तक उन लोग भारत से नहीं जाते हैं तब तक दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के सीधे अधीन में हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनको आपको याद रखना है इसके परिणाम के स्वरूप, कि इस विद्रोह का क्या परिणाम निकला है ना भाई। भारत तो आजाद नहीं हुआ लेकिन उसका क्या परिणाम निकला कि भाई कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब सीधे रानी का जो इंटरफेयर है वो भारत में होने लगा। सैनिक, क्योंकि सैन्य विद्रोह के रूप में मुख्य रूप से शुरू या तात्कालिक कारण था वो, उस वजह से जो पहले का अनुपात 5:1 था उसको भी समाप्त कर दिया गया और 2:1 के अनुपात में अब नियुक्ति की जाने लगी। इसी इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जिन क्षेत्रों के लोगों से, जिन क्षेत्रों में संघर्ष हुआ था वहां के लोगों को हटा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया और गोरखा और सिख लोगों को जो कि सैन्य कला में पारंगत माने जाते हैं उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सेना में बढ़ा दी गई। फिर हम देखते हैं कि भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद को क्या किया गया, बनाया गया। फिर देखते हैं डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतें जो थी, देशी राजवंश जो था, उनकी स्थिति को वापस पहले जैसे कर दिया गया। फिर देखते हैं क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई और इसके साथ भारत से मुगल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो गई और जब तक अंग्रेज भारत में रहे तब तक के लिए दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के लिए केंद्र स्थान के रूप में कार्य होने लगा। इस तरीके से हमारा 1857 की जो क्रांति है वो समाप्त तो होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रयास जो है वो अच्छा लग रहा होगा, आपने इसको समझा होगा और इसको कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिए। रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना भाई, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिसको आपको पढ़ना है, याद करना है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, ठीक है, और अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।